हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ सौरभ कुमार रस्तोगी, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एनिमल के रिप्रोडक्शन में प्लांट के रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन क्या होता है, थ्री टाइप से होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा तरीका जो होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एनिमल में होता है दो टाइप से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम जानेंगे एनिमल का रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन। तो पहले तो हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल, जैसे कि अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, वाया वाइनरी फिजन। वाइनरी फिजन के थ्रू, जैसे कि ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, अमीबा मान लेते हैं हम इसे, अमीबा है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में वाइनरी फिशन के थ्रू। वाइनरी फिशन तो ये अलग हो गया, अब ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, ये भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन गया, दो अमीबा, एक ही है, दोनों एक दूसरे से अलग, मतलब क्लोन है एक दूसरे के बिल्कुल। अब क्या हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है, एक फीमेल पार्टनर और एक मेल पार्टनर। जैसे कि मेल पार्टनर से आता है हमारा स्पर्म, और फीमेल पार्टनर से आता है ओवा। मेल पार्टनर से क्या आता है, ये साइन क्या है मेल का, और ये साइन क्या है फीमेल का। तो मेल पार्टनर से क्या आता है स्पर्म, फीमेल पार्टनर से क्या आता है ओवा। एक स्टेज पर जाकर ह्यूमन बॉडी में स्पर्म बनने लग जाते हैं मेल पार्टनर के अंदर, और एक एज के बाद फीमेल के अंदर भी जो है ओवा बनने लग जाते हैं। जिस एज पर ये जाकर बनते हैं उसे हम कहते हैं एल्डोसेंस स्टेज, जो कि मेल में थोड़ा लेट आती है, फीमेल में थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिनिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 74 डेज का टाइम लगता है। और ओवा बनते हैं ओजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। ओजेनेसिस प्रोसेस में जो है एक प्रोसेस में एक ही ओवा बनता है, लेकिन स्पर्म में ऐसा नहीं है, फोर स्पर्म बनते हैं, फोर स्पर्मेटिड बनते हैं एक बार में, लेकिन ओवा सिंगल ही बनता है एक ओजेनेसिस में। एक ओजेनेसिस में टाइम कितना लगता है, 28 डेज। नॉर्मली वुमेन्स में 28 डेज की होती है एमसी, मेंसुरेशन साइकिल, और ये एक्सटेंड कर जाती है कभी कभी 34 डेज तक, लेकिन मोस्टली जो है 28 डेज की ही होती है। तो मेल से स्पर्म आया, फीमेल से क्या आया ओवा। जब 12th डे होता है एमसी का, 12th डे, तब एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है जो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो क्रोमोसोम हैं वो डबल हैं, पेयर में हैं, तो उसका पूरा आधा पेयर इसमें आ गया सेकेंडरी ओसाइट में, मतलब होगा में। ऐसी मेल में जो हमारे पूरे जो क्रोमोसोम हैं पेयर्ड, उसका पूरा आधा पार्ट आ गया किसमें, स्पर्म में। तो ये भी हैप्लॉइड हो गया।
अब ये फर्टिलाइजेशन होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन ओवा में। ओवा भी हैप्लॉयड है, ये भी स्पर्म भी हैप्लॉयड है, क्या हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, जायगोट। जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। तो ये क्या हुआ, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज सिंगल सेल एंड डिप्लॉयड इन नेचर। इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है बनती है, जायगोट से ह्यूमन स्ट्रक्चर बनता है पूरा, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू, थैंक यू।